नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर का निमोना। हरे मटर का निमोना हम बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। सर्दियों के मौसम में यह निमोना बहुत ही लोग पसंद करते हैं। हरे मटर का निमोना कई तरह से बनाया जाता है, लेकिन हम आपको जिस तरह से हम हरे मटर का निमोना बनाना बताएंगे, अगर आप उस तरह से हरे मटर का निमोना बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करें। निमोना बनाने के लिए हमने ले लिया है छील करके मटर। मार्केट में बहुत अच्छी मटर आने लगी है, आप इस प्रकार से मटर लाइए और छीलिए, निमोना बनाकर खाइए। निमोना ठंडक में बहुत ही अच्छा लगता है खाने पर, चावल और रोटी के साथ में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसका निमोना बनाना शुरू करते हैं। तो निमोना दाल बनाने के लिए हमने ले लिया है हरा मटर छील करके, इसे अच्छे से धुल लिया है। इसे हम पीस लेंगे। पहले निमोने में डालने के लिए हमने सब्जियां कुछ ली हैं, जिसमें हमने दो टमाटर ले लिया है काट करके, प्याज है बारीक बारीक काट लिया है, गोभी है, खड़ा मटर भी हम उसमें डालेंगे और आलू भी हमने काट करके ले लिया है। आप अगर इसमें से कोई सब्जी ना डालना चाहते हो निमोने में तो आप ना डालें। मसालों में हमने ले लिया है वही सदाबहार मसाले हमारे, धनिया हमने लिया है, हल्दी है, लाल मिर्च है, अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, लहसुन है, जीरा है, काली मिर्च है, दालचीनी हमने ले लिया है, छोटी इलायची है, लौंग है, एक बड़ी इलायची है। इसको हम अच्छे से पीस लेंगे सिलबट्टे पर, आप मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं। तो चलिए पहले इसे पीस लेते हैं। गरम मसाला हम बाद में इसमें डालेंगे। मटर को भी हमने पीस लिया है, देखिए इस तरह से, और मसाले को हमने पीस लिया है। चलिए अब रख देते हैं गैस पर कढ़ाई। कढ़ाई हमने गैस पर रख दिया है, ऑन कर दिया है गैस को। अब इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल, आप जो भी तेल खाना पसंद करते हो वो डालें। गरम होने देते हैं तेल को। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे लहसुन की कलियां, एक बड़ी इलायची हमने इस तरह से कूट लिया है, इसे डाल देते हैं। दो लौंग डाल देंगे, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे। दो लाल मिर्च हमने लिया है, इसे डाल देते हैं। अगर आप ना खाते हो लाल मिर्च तो स्किप कर सकते हैं। तड़का हमारा थोड़ा सा जल चुका है, इसमें डाल देंगे हींग। हींग बहुत ही अच्छा होता है पेट के लिए, इसे जरूर डालें आप। तड़के हमारे जल चुके हैं, इसमें डाल देंगे हम कटी हुई प्याज। इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं प्याज को। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं मसाले जो हमने पीस करके लिया हुआ था। थोड़ा सा कटोरी में हमारा मसाला लगा हुआ है, इसको भी डाल देंगे। इस तरह मसाले को अच्छे प्रकार से हम भून लेंगे जब तक यह तेल नहीं छोड़ने लगेगा। मसाले हमारे लगभग भून चुके हैं, इसमें अब हम डाल देते हैं टमाटर। इसको भी इसी के साथ में हम भुनेंगे। मसाले हमारे भुन चुके हैं, इसमें अब हम डाल देंगे पिसी हुई मटर। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसको भी इसी के साथ में हम भुनेंगे मसाले के। मसाला हमारा भुन चुका है, लेकिन फिर भी हम इसे मटर के साथ में डाल करके भुनेंगे थोड़ी देर, ताकि हमारा मटर भी भुन जाए। आप चाहें तो मटर को अलग से भी भून सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी आप भून करके निमोना बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से भुनने के। मटर को जब हम भूनते हैं तो इस तरह से देखिए कली में लगने लगता है, तो आप इस तरह से कलछी से चुराते रहिए और आज आप मीडियम रखिए चूल्हे का। इस तरह से हम धीरे धीरे इसको भून लेंगे।
जब यह भून जाएगा तो मटर का कलर चेंज हो जाएगा। मटर हमारा भून चुका है, देखिए आपको दिखा देते हैं। जब यह भून जाता है तो तली में चिपकता है, देखिए छोड़ दिया है अच्छे से, कलर देखिए इसका बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला, इसी साथ में थोड़ा सा इसे भी भून लेंगे। आप गरम मसाला बाद में भी डाल सकते हैं पानी। अब हम डाल देते हैं सब्जियों को जो हमने लिया था, हमने जो गोभी लिया था उसे फ्राई कर लिया है। आप भी इसे फ्राई करके डालें ताकि इसका कच्चापन चला जाए। मटर को भी हमने ले लिया है और आलू भी हमने ले लिया है, इसमें डाल देते हैं। इसमें डाल करके हम मिलाएंगे साथ में इसको, सब्जियों को हम डाल करके अच्छे से मिला लेंगे इसे। अब इसमें डाल देंगे हम पानी, पहले थोड़ा पानी हम डालेंगे ताकि गुठलियां ना पड़े हमारे निमोने में। इसको डाल करके हम मिलाएंगे सभी को अच्छे से, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे मिलाएं, नहीं तो थोड़ा सी गुठलियां पड़ जाएंगी इसमें। अब डाल देते हैं पानी। आप जब भी निमोना बनाए गरम पानी डालें, सब्जी भी अगर आप ग्रेवी वाला बना रहे हैं तो गरम पानी ही डालें। इसे अच्छे से मिला देते हैं। आलू भी आप फ्राई कर सकते हैं, हमने नहीं किया है, फिर भी निमोने में अच्छा टेस्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। कितना गाढ़ा या पतला आप निमोना बनाना चाहें उतना गाढ़ा पतला आप बनाएं। तो थोड़ा सा और हम पानी इसमें डालेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अनुसार नमक, जैसा भी आप खाते हो तेज या कम उस हिसाब से आप डालें। मिला देते हैं इसको भी, इसे अब हम ढक देते हैं और इसे पकने देते हैं सब्जियों के साथ में ताकि सब्जियां हमारी गल जाएं। बीच बीच में हम इसे खोल करके चलाते रहेंगे। निमोना को पकते हुए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे बीच बीच में चला करके पकाया है, अच्छे से पक चुका है। सब्जियां भी हमारी इसमें की गल चुकी हैं, आपको दिखाते हैं, एक देखिए अच्छे से गल चुकी हैं। अब हम बंद कर देते हैं गैस को। इसके ऊपर हम डाल देते हैं धनिया पत्ता और इसे हम निकाल लेंगे सर्विंग बाउल में। हरे मटर का निमोना हमारा बनकर के तैयार है, बहुत ही टेस्टी हमारा निमोना बना हुआ है। ऊपर से थोड़ा सा हम सजा देते हैं धनिया पत्ते से। आप इसे चावल के साथ में खाइए, रोटी के साथ में खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। पूरे सीजन में हरे मटर का निमोना आप बना करके इस तरह से खा सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें कि आपको कैसी रेसिपी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।